Vamos de chat. करण क्या बात है इंस्पेक्टर? हम मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव को गिरफ्तार करने आए हैं। मेरे बेटे को गिरफ्तार करना है? किस जुर्म में? जुर्म? आप अपने इस बेटे से पूछिए जिसने मेरी तनिष को गोली मारी है। ये क्या कह रही है? अक्षय क्यों किसी का खून करेगा? ये ऐसा कर सकते हैं क्योंकि इन्हें तनिषा जी से तलाक चाहिए था। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? इंस्पेक्टर साहब, आप उन्हें अरेस्ट करिए इमीडिएटली। अक्षय ने किसी का खून नहीं किया, किसी को गोली मारी नहीं है इसने। आप बोलिए ना, कुछ बोलते क्यों नहीं? पुलिस को अपना काम करने दो। अक्षय को कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं किया, इसे ले जाएंगे। अक्षय को कुछ नहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए, ये निर्दोष है, इसने कुछ नहीं किया, छोड़ दीजिए इसे आप। चलिए आप बोलिए ना कुछ। दमयंती, 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 ये लो। अरे तुमने चाय नहीं पी? नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी है ममता। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। भूख नहीं है ममता, एक्चुअली सर में दर्द है। तो तुमने कोई दवा ली? हाँ, मैंने ले ली है दवाई। सिद्ध, सिद्ध बात क्या है? कौन सी बात? सिद्ध, कल देर रात तक तुम कमरे में भी नहीं थे। वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, सर भारी लग रहा था, बाहर टहलने चला गया। इस तरह क्यों देख रही हो ममता? मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। क्या बात है बेटे? कुछ नहीं मां। चलो ममता, मैं तुम्हें अक्रश को स्कूल छोड़ देता हूँ। ममता, तुम्हें रोज रोज स्कूल जाने की क्या जरूरत है? सिद्ध है ना, सिद्ध क्रिश को छोड़ देगा। वैसे मैं भी क्रिश को छोड़ सकती हूँ, लेकिन आज तो स्कूल में अक्षय मुझसे मिलने आने वाला है। अगर मैं नहीं गई तो वो निराश होकर चला जाएगा। अरे मैं तो भूल ही गया था, ममता को आज स्कूल जाना होगा। क्यों? क्योंकि सारे बच्चों के माँ बाप आ रहे हैं प्रिंसिपल से मिलने, इसलिए। चले ममता, देर हो रही है। ओके माँ। ओके, बाय बेटा। बाय माँ। बाय बाय पुत्र। ऐसी नजर लगी है मेरे बच्चों को, उनके चेहरों से मुस्कुराहट गायब हो गई है। कोई नजर वजर नहीं लगी। मुझे तो लगता है कि तनिषा की बातों में कुछ तो सच्चाई है, वरना उस दिन वो तस्वीर। बुलबुल, जो मन में आता है वो बोलती है, तू अच्छी तरह से जानती है मुझे ऐसी बातें सुनना बिल्कुल पसंद नहीं। मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव, हम नहीं चाहते कि हम आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ दे। हम सिर्फ इतना चाहते कि आप अपना जुर्म सीधी तरह से कबूल कर लें। कौन सा जुर्म? और मैं कितनी बार कह चुका हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। ये बात सुनने के हम आदि हो चुके हैं मिस्टर श्रीवास्तव। हम मुजरिमों की बात पर यकीन नहीं कर सकते। तो कैसे यकीन दिलाऊं मैं आपको? अब जितना जोर से चिल्लाएंगे हमारा यकीन उतना ही पुख्ता होता जाएगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात पर यकीन कीजिए। ये बात सच है कि उस वक्त मैं घर पर नहीं था। देखिए, मैं अपनी गाड़ी पिकअप करने गया था अपने मैकेनिक के पास। आप रात को वहाँ पे गए होंगे, लेकिन आपके मैकेनिक का गैरेज बंद था और आपके पास कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है जो ये साबित कर सके कि कल रात आप वहाँ पे गए थे। ठीक है, आप जो समझना चाहते हैं समझ लें। मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप पूरी जिंदगी मुझे यहाँ पर बिठा कर पूछते रहेंगे, फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि मैंने तनिषा को गोली नहीं मारी। क्या हो गया? आंखें खोल मुझे। देखिए
प्लीज अब बाहर जाकर बैठिए। इनका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, होश में आने में थोड़ा वक्त लगेगा। प्लीज डॉक्टर साहब, मैं देख करती हूँ मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी ना डॉक्टर साहब। देखिए हमने अभी सिर्फ गोली ही निकाली है, इंटरनल ब्लीडिंग अभी भी चालू है। सब ठीक हो। अब क्या लेने आए आप लोग? कुछ तमाशा और बाकी है जो देखने आए हैं आप लोग? आप हमें गलत समझ रही हैं। हम बस तनिषा का हाल पूछने आए हैं। एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए, मैं आपके उस बेटे को छोड़ूंगी नहीं, इसका जवाब मैं दूंगी। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इस तरह शोर शराबा करेंगे तो पेशेंट की कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो सकती है। अब प्लीज बाहर जाकर बैठिए। बाहर तो इन्हें जाने कहिए, ये बाहर के लोग हैं, मेरे तो बच्चे हैं। सुनाई आप लोगों ने? आप लोग प्लीज, अब प्लीज बाहर जाकर बैठिए। आपसे बात करनी थी, आप हमें समझने की कोशिश कीजिए। बस तनिषा की चिंता है जो हमें यहाँ तक खींच लाती है। तनिषा की चिंता ही आपको अपने बेटे की चिंता? आप लोगों को ये डर है कि अगर मेरी तनिषा मर गई तो आप लोग के बेटे का क्या होगा? देखिए डॉली जी, अक्षय ऐसा कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी जिसने ये घिनौना काम किया है कानून तो उसे सजा देगी। फिलहाल हमें तनिषा की जान बचाने की चिंता करनी चाहिए। चिंता? क्या चिंता करूं मैं? डॉक्टर ने तो अपना काम कर दिया है, गोली निकाल दी है सर, उसकी इंटरनल ब्लीडिंग अब तक रोक नहीं पा रही है। उसके लिए और एक ऑपरेशन करना पड़ेगा या उसके बाद और एक, कितने ऑपरेशन होंगे क्या पता? कहां से लाऊंगी मैं इतने सारे रुपए? कहां से कराऊंगी मैं इतने सारे ऑपरेशन? मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है, मेरे बच्चे मर जाएंगे। देखिए डॉली जी, आप चिंता मत कीजिए, ये अलग बात है कि अब हम तनिषा को हमारे घर की बहू नहीं मानते, लेकिन इंसानियत के नाते हम उसे यूं मरता भी तो नहीं देख सकते ना। उसके इलाज के लिए जितना खर्च लगेगा वो हम देंगे। सच? देखिए, एक्सक्यूज मी, अब आप पेशेंट से मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब तनिषा की तबीयत कैसी है? देखिए, जब तक दूसरा ऑपरेशन नहीं हो जाता कुछ कहा नहीं जा सकता। रुको क्रिश, हाथ पकड़ो। बाय। चलो 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 चलो, बाय क्रिश। अरे अक्षय कहीं नजर नहीं आ रहा है। अक्षय का तो सेल बंद है, क्या बात हो सकती है? कहाँ होगा अक्षय? हेलो हेलो, फुलवारी, मैं ममता बोल रही हूँ। अरे ममता दीदी, ममता दीदी, यहाँ तो गजब हुई गवाह। क्या हुआ फुलवारी, सब ठीक तो है ना? अरे बोल ना क्या हुआ? पुलिस अक्षय भैया को गिरफ्तार करके ले गई है। क्या? कल रात तनिषा भाभी के ऊपर किसी ने गोली चला दी। पता नहीं ये तनिषा भाभी का कौन दुश्मन निकल आया जिन्होंने उनको गोली मार दी, और फंस गए हमरे अक्षय भैया। मैंने रास्ता ढूंढ लिया, मेरा यकीन मानो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ कल देर रात तक तुम कमरे में भी नहीं थे। वो मुझे नींद नहीं आ रही थी सर, भारी लग रहा था, बाहर टहलने चला गया। Thank you.
सिद्ध। ममता तुम यहाँ? क्रिश कहाँ है? सब कुछ ठीक तो है? क्रिश तो स्कूल में है सिद्ध, पर सब कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? सिद्ध अक्षय को पुलिस पकड़ के ले गई। क्या? पर क्यों? तनिषा को किसी ने गोली मार दी है सिद्ध। What? हाँ सिद्ध, मेरा यकीन कहता है कि ये काम अक्षय कतई नहीं कर सकता। पर सवाल तो ये है कि तनिषा को किसी ने गोली मारी है, और किसने मारी है, उसका कौन दुश्मन हो सकता है? तनिषा जैसी औरतों की दुश्मनी किसी के साथ भी हो सकती है ममता। हाँ सिद्ध, तुमने ठीक कहा। तनिषा को मारने की कोशिश वही कर सकता है जिसे अपनी सुरक्षा का खतरा हो। वैसे सिद्ध, तनिषा से खतरा तो हमें भी था ना। तुम कहना क्या चाहती हो ममता? मैं कुछ कहना नहीं चाहती सिद्ध, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि कल रात को तुम कहाँ थे। मैं तुम्हें बता चुका हूँ। हाँ, पर मेरा मन वो सच मानने को तैयार नहीं है। तो समझाओ अपने मन को ममता। सिद्ध तुम नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो सिर्फ पूछ रही थी। पूछना और इल्जाम लगाना दो अलग चीजें होती है ममता। जिस बात को तुम्हारा मन मानने के लिए तैयार ही नहीं, उसके बारे में पूछना भी क्यों? सिद्ध, I'm sorry. Actually, जब से मुझे पता लगा है कि अक्षय को पुलिस पकड़ कर ले गई है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या कह रही हूँ, क्या समझ रही हूँ। और इस वक्त बस मुझे इतना ही समझ आ रहा है कि अक्षय बेगुनाह है, और उसे छुड़ाने के लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं करूंगी। रुको ममता, तुम जो कुछ भी करने जा रही हो उससे अक्षय की परेशानियां और बढ़ जाएगी। लोगों को तुम दोनों के बारे में बात करने का मौका मिल जाएगा। हमें जो कुछ भी करना है अक्षय के लिए इनडायरेक्टली करना है। तुम स्कूल जाओ, मैं वहां। गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? जा। थैंक यू सर, आज तुम्हारी कोशिशों की वजह से मैं बेल पर रहा हूं। थैंक यू। इसकी कोई जरूरत नहीं अक्षय, तुम बेगुनाह हो और कानून बेगुनाह को कभी सजा नहीं देता। और अगर तुम्हें शुक्रिया अदा करना ही है तो ममता के विश्वास को करना, जिसने हमेशा तुम्हें बेगुनाह समझा। मैं ठीक हूँ माँ, मैं ठीक हूँ। मेरा लाजा बेटा, हुँ? थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।
आप मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही हैं आंटी? ये तो मेरा फर्ज था। चलती हूँ। अक्षय, घर चले, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है माँ। शायना, ये तो दूर की बात। तुम यहां कैसे? शायना, कैसी बात कर रही हो? जहां मेरी बच्ची है मैं भी वहीं रहूंगी ना, इसमें इतना चौंकने वाली कौन सी बात है? निकल जाओ, तुम अभी के अभी यहां से निकल जाओ। प्राची तुम्हारी नहीं, मेरी बेटी है। अच्छा, वाह वाह वाह, कोख से जन्म मैंने दिया और बेटी तुम्हारी हो गई। होश में आओ शायना, तुमने कभी भी करण को कोई भी सुख नहीं दिया, लेकिन मैंने इस घर को श्रीवास्तव खानदान को वारिस दिया है। निकल जाओ, तुम अभी के अभी तुम यहां से निकल जाओ। शायना, शायना क्या हो रहा है सब? तुम चुप हो जाओ करण, आज मैं इसे जान से मार डालूंगी। ये क्या हो रहा है मेरे घर में? बाबूजी, मैं तो यहाँ इंसाफ मांगने के लिए आई थी, लेकिन मुझे यहाँ दुत्कार के अलावा और कुछ नहीं मिला। लेकिन बस, अब मैं और चुप नहीं रह सकती। मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगी कि श्रीवास्तव खानदान ने एक अकेली लड़की के साथ क्या किया। जी कहिए, किससे मिलना है? मैम साहब, एक साहब यहाँ रहते हैं, लंबे से, गोरे से, हाँ छोटी छोटी सी मूछें हैं उनकी। हाँ, आपको क्या काम है? जी ये लौटाना था। ये तो सिद्ध का लॉकेट है, ये तुम्हें कहाँ से मिला? जी कल रात वो मेरी टैक्सी में से भूल आए थे। टैक्सी? वो कहाँ गए थे? खार, यूनियन पार्क। अब मैम साहब, एक बिल्डिंग के आगे उन्होंने गाड़ी रुकवाई, अंदर गए और थोड़ी देर में वापस आ गए। हे भगवान, खार यूनियन पार्क, वहां तो तनिषा रहती है। कहीं सिद्ध ने? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैम साहब, भाई साहब शुक्रिया, ये मैं उन्हें दे दूंगी, आप जाइए। ममता, यहाँ कौन आया था? सिद्ध, तुम्हारा लॉकेट कहाँ है? कल रात टहलते समय शायद गिर गया होगा। हाँ हो सकता है, मैं देखता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है सिद्ध,
लॉकेट यहाँ है, ये उसी टैक्सी में गिर गया था जिस टैक्सी में तुम तनीषा के घर गए थे। खार यूनियन पार्क।